बिग डैडी दुनिया की सबसे सेफ जेल जिसका नाम तुराक रहा है वहां से गायब है। वो जिंदा है या मर गया? एंडरसन का सोचना है कि उसे माइकल ने जो बिग डैडी का बेटा है वो चुरा के लेके गया है। डिटेक्टिव सोसाइटी और मेहुल कंफ्यूज्ड है कि हो क्या गया है। कमांडर वासु भी इंजर्ड है। दुनिया के सारे डिटेक्टिव फिर से एक बार हाई अलर्ट पे आ गए हैं। वही मेहुल पाकिस्तान की डिटेक्टिव फातिमा के साथ कराची बीच पर शिप का वेट कर रहा है। वो मोहतरमा कौन थी जिसे आप आलिया कह रहे थे? मुझे लगा वो आलिया है, पता नहीं अब वो कहाँ गायब हो गई। शायद मैं कंफ्यूज हो गया होगा, आलिया तो इंडिया में है। मेहुल और फातिमा गन लोड करके गन सप्लायर का शिप से बाहर आने का वेट करने लगते हैं। ये शिप के अंदर से कोई बाहर क्यों नहीं आ रहा है? जरूर कुछ गड़बड़ है। मेहुल उसके पास जाता है और उसके मुंह से टेप निकालता है। सर सर बताओ ये शिप के अंदर से कोई बाहर क्यों नहीं आया अब तक? सर वो लोग मेरे सिग्नल का वेट कर रहे हैं। इसका मतलब है जहाज में कोई सरगर्मी नहीं होगी जब तक यह सिग्नल नहीं देता। मेहुल उस आदमी के हाथ खोलने लगता है। मेहुल आप ये क्या कर रहे हैं? ये शख्स उनको बता देगा। डोंट वरी, अगर ये कुछ भी गड़बड़ करेगा तो तुम इसे पीछे से गोली मार देना। तुम लोग यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते, बिग डैडी के लोग तुम्हें मार देंगे। अब जैसे बोलता हूँ वैसा करो वरना गोली मार दूंगा। वो आदमी धीरे धीरे बीच की तरफ जाने लगता है। फातिमा अगर ये कुछ भी गड़बड़ करे तो इसके पैर में गोली मार देना, मैं दूसरे साइड से जा रहा हूँ। मेहुल ट्री के पीछे से छुपते छुपते दूसरे साइड चला जाता है। वहीं वो आदमी बीच के पास जाते ही अपना हाथ हवा में करता है और फिंगर से कुछ सिग्नल देता है। सिग्नल मिलते ही शिप के अंदर से एक स्मगलर बाहर आता है और हाथ हवा में कर एक सर्कल बनाता है। रेडी फॉर एक्शन। वो दोनों आदमी इशारों में कुछ बात करने लगते हैं, लेकिन मेहुल समझ जाता है कि वो आदमी ने शिप में खड़े स्मगलर को मेहुल और फातिमा के बारे में बता दिया है। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं मेहुल को ये कैसे समझ गया? सोचिए सोचिए। उस आदमी के राइट साइड वाले फिंगर्स को देखिए, उसने सिर्फ दो फिंगर्स ओपन करके रखा है। इसका मतलब वो शिप में खड़े स्मगलर को सिग्नल दे रहा है कि यहाँ दो लोग और हैं, और वो कोई और नहीं मेहुल और फातिमा हैं। फातिमा फायर। फातिमा उस आदमी के पैर को टारगेट करती है, लेकिन तभी अचानक वो आदमी दौड़ते हुए शिप के अंदर चला जाता है और जाते जाते फातिमा को बाय करता है। फातिमा को बहुत गुस्सा आ जाता है। फातिमा ओह नो, मेहुल तुरंत अपनी ब्लास्टिंग गन निकालता है। मौके का फायदा उठाकर मेहुल फातिमा के पास पहुंच जाता है और उसे लेकर एक कंटेनर के पीछे छुप जाता है। आर यू ओके फातिमा? यस सर, आई एम फाइन। उधर शिप के अंदर से स्मगलर लगातार फायरिंग कर रहे थे। जाओ ट्री के पीछे वो छुपे हैं। मूव मूव। सारे स्मगलर्स एक दूसरे को कवर फायर देते हुए शिप से बाहर आने लगते हैं। फातिमा तुम ये ब्लास्टिंग गन रखो और अपनी गन मुझे दे दो। फातिमा ब्लास्टिंग गन से फायर करने लगती है और मौके का फायदा उठाकर मेहुल दूसरे कंटेनर के पीछे चला जाता है। फातिमा पहली बार ब्लास्टिंग गन चला रही थी तो उसे बहुत मजा आ रहा था। माशाल्लाह क्या शानदार बंदूक है। रियली डिटेक्टिव मेहुल का जवाब नहीं। तभी अचानक एक बंदा पीछे से फायर कर देता है और बुलेट मेहुल के बाजू को छूकर निकल जाती है। मेहुल के हाथ से ब्लड निकलने लगता है। मेहुल वहीं कंटेनर के पीछे ही छुपा रहता है। वो बंदा ब्लड ड्रॉप्स को फॉलो करते हुए आगे आने लगता है। तभी अचानक पीछे से मेहुल उस पर अटैक कर देता है। मेहुल और फातिमा एक एक करके सारे लोगों को मारने लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे मेहुल को चक्कर आने लगते हैं। ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। लेकिन मेहुल हिम्मत से काम लेता है और लगातार फायरिंग करता रहता है, लेकिन मेहुल कमजोर हो रहा था।
डिटेक्टिव मेहुल, क्या आप हमें सुन सकते हैं? थोड़ी ही देर में मेहुल बेहोश हो जाता है। डिटेक्टिव मेहुल जवाब क्यों नहीं दे रहे? कुछ तो गड़बड़ है। फातिमा मेहुल के पास जाने का सोचती है, लेकिन तभी अचानक समुद्र के पास हलचल होने लगती है। लगता है बिग डैडी के लोग आ गए। मेहुल अभी भी फातिमा से कॉल पे कनेक्टेड था, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। बिग डैडी के लोग हथियारों की डील करने के लिए बीच पर आ चुके थे और उधर मेहुल बेहोश पड़ा था। डिटेक्टिव फातिमा के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। वो ब्लास्टिंग गन से बिग डैडी के शिप पर अटैक कर देती है। एक ब्लास्टिंग बुलेट सीधे शिप के फ्रंट में लगती है और एक जोरदार ब्लास्ट होता है। शिप का लीडर जोरों से चिल्लाने लगता है, डील कैंसिल, आई रिपीट डील कैंसिल, देयर इज डेंजर। बिग डैडी के सारे लोग वहां से भाग जाते हैं। जहाज में क्या होगा? फातिमा शिप के अंदर जाती है तो शिप के अंदर गन्स और हैंड ग्रेनेड रखे हुए थे। या अल्लाह, अगर इतने सारे गन्स और बॉम्ब्स बिग डैडी के लोग अगर अपने साथ ले जाते तो पूरा शहर ब्लास्ट हो सकता था। फातिमा गन को चेक करने लगती है। स्नाइपर, AK-47, पिस्टल, इतनी सारी गन्स। फातिमा ने अपने पूरे डिटेक्टिव करियर और ट्रेनिंग में इतनी सारी गन्स एक साथ नहीं देखी थी। फातिमा शिप के और अंदर जाती है तो वहां पर हल्का हल्का सा अंधेरा था। अंदर जाते ही फातिमा किसी चीज से टकराती है। कौन है वहां? फातिमा तुरंत अपनी जेब से अपना मोबाइल निकालती है और टॉर्च जला लेती है। यहां कोई तो छिपा है। तभी उसे किसी के भागने की आवाज सुनाई देती है। फातिमा आवाज के पीछे जाती है तो एक बंदा चुपके चुपके शिप के ऊपर जा रहा था। लगता है डर के मारे पानी में कूद गया। फातिमा वापस आने लगती है। तभी अचानक फातिमा की नजर एक पेटी पे पड़ती है। Oh no. लॉजिकल आर्मी क्या आप बता सकते हैं फातिमा ने ऐसा क्या देखा कि वो डर गई? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, एक हैंड ग्रेनेड का पिन निकला हुआ है। इसका मतलब वो आदमी जो पानी में कूद गया था उसने फातिमा को मारने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। फातिमा शिप के विंडो से पानी में कूदने ही वाली थी कि वहां पे ब्लास्ट हो जाता है। उधर मेहुल कंटेनर के पीछे बेहोश पड़ा था और उसका हाथ नीला होते जा रहा था। हो सकता है मेहुल के हाथ में जो बुलेट लगी थी उसमें जहर हो। लेकिन अब क्या होगा? मेहुल को कौन बचाएगा? फातिमा मेहुल को सर्च करने लगती है। थोड़ी देर बाद फातिमा को कंटेनर के पास मेहुल दिखाई देता है। मेहुल का चेहरा नीला पड़ गया था, जहर उसकी पूरी बॉडी में फैल चुका था। Oh no. डिटेक्टिव मेहुल, क्या आप हमें सुन सकते हैं? डॉक्टर आईसीयू से बाहर आता है। क्या हुआ डॉक्टर साहब? देखिए, उन्हें इमरजेंसी में 2 बॉटल ब्लड चाहिए। डॉक्टर, ये शख्स पूरी दुनिया के लिए बहुत जरूरी है, आप जितना चाहे मेरा खून ले लीजिए। डॉक्टर तुरंत फातिमा का ब्लड टेस्ट करता है, लेकिन फातिमा का ब्लड मेहुल से मैच नहीं कर रहा था। डॉक्टर्स की पूरी टीम मेहुल को बचाने में लगी हुई थी, लेकिन किसी का भी ब्लड मेहुल से मैच नहीं कर रहा था। तभी अचानक डिटेक्टिव सोसाइटी का एक आदमी हॉस्पिटल में आता है और 2 बॉटल ब्लड देकर चला जाता है। उस आदमी ने चेहरे पे मास्क लगा रखा था और लॉन्ग कोट पहन रखा था। लॉजिकल आर्मी दुनिया की हर कंट्री में डिटेक्टिव सोसाइटी की एक सीक्रेट लैब बनी हुई है, जहाँ पे सारी डिटेक्टिव्स की इन्फॉर्मेशन और उनका मैचिंग ब्लड ग्रुप वहाँ पे रखा जाता है इमरजेंसी में उनकी जान बचाने के लिए। हॉस्पिटल आते समय डिटेक्टिव फातिमा ने पाकिस्तान की डिटेक्टिव सोसाइटी को मेहुल के बारे में बता दिया था, इसलिए डिटेक्टिव सोसाइटी का एक सीक्रेट एजेंट मेहुल के लिए ब्लड लेकर वहाँ पहुँच गया था। डॉक्टर्स की पूरी टीम मेहुल का ऑपरेशन करती है और मेहुल की जान बच जाती है। मैं यहाँ कैसे आया? तब नर्स मेहुल को सारी बात बताने लगती है। तभी वहां पर डिटेक्टिव फातिमा आ जाती है। फातिमा अपने घर से मेहुल के लिए पालक का जूस और हेल्दी ब्रेकफास्ट लाई थी। जनाब, आपकी सारे बदन में जहर फैल गया था। इसका मतलब उन लोगों की बुलेट में पॉइजन था।
बेफिक्र रहे मेहुल, मैंने पूरे जहाज को ब्लास्ट कर दिया है, सारे गन्स और बॉम्ब्स डिस्ट्रॉय हो गए, साथ ही डील भी कैंसिल हो गई है। गुड जॉब फातिमा। इसके बाद फातिमा मेहुल को ब्रेकफास्ट कराती है। ब्रेकफास्ट करते करते मेहुल को आलिया की याद आ जाती है। मेहुल तुरंत आलिया को वीडियो कॉल करता है। उस समय आलिया डॉक्टर संजना की लैब की छत पर बैठकर भुट्टे सेक रही थी। सर का कॉल, अरे वाह, अब आएगा मजा। कॉल रिसीव करते ही आलिया तुरंत बैक कैमरे से मेहुल को अपने भुट्टे दिखाती है। सर मैं तो गर्मा गर्म भुट्टे बना रही हूँ, और आप बताइए कैसा चल रहा है पाकिस्तान में। मेहुल आलिया को सारी कहानी बताता है। सर मैं अब भी वहाँ पहुँचती हूँ। नहीं, इंडिया को तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। बिग डैडी शायद जिंदा है। इस बार बिग डैडी के लोग बुलेट में पॉइजन भर के फायर कर रहे हैं। अरे सर, ये लड़की कौन है? उसने तो बड़े बड़े झुमके पहन रखे है। आलिया, ये मेरी दोस्त फातिमा है। कॉल रखने से पहले मेहुल आलिया को उस लड़की के बारे में बताता है, तो मेहुल को आलिया जैसी लग रही थी। मुझे तो लगा आलिया तुम पाकिस्तान आ गई हो। उधर जब से बुलबुले साइंटिस्ट को बिग डैडी की कवर मिली है, तब से साइंटिस्ट नए नए इन्वेंशन कर रहा है। इस बार तो लगता है बिग डैडी और बड़ी आर्मी लेकर आएगा। उसे फाइट करने के लिए कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। बुलबुले साइंटिस्ट ने एक बॉटल बॉम्ब बनाया था, जिसके अंदर एक एक्सप्लोजिव लिक्विड भरा हुआ था, जो देखने में बिल्कुल वाटर की तरह लगता है। ये बना है मस्त बॉम्ब, लेकिन इसे टेस्ट करना होगा। कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन बिग डैडी का कोई पता नहीं चलता। अब आगे का क्या प्लान है मेहुल? अभी तो कुछ नहीं पता, पर हमें अलर्ट रहना होगा। मैं कल वापस इंडिया जा रहा हूँ। मेहुल अपना शेक खत्म करके जैसे ही खड़ा होता है, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। मेहुल के सामने वही लड़की थी जिसे मेहुल ने कराची बीच पर देखा था, जिसे मेहुल आलिया समझ रहा था। 2 मिनट फातिमा, मैं अभी आता हूँ। मेहुल उस लड़की का चेहरा देखने के लिए उसके सामने जाता है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब आलिया ने मुझे उल्लू बनाया। लेकिन तभी अचानक मेहुल को डाउट आता है। इम्पॉसिबल, ये आलिया नहीं हो सकती। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि ये आलिया नहीं हो सकती? सोचिए। लॉजिकल आर्मी, ये लड़की ने नाक में नोज रिंग लगा के रखा है, लेकिन आलिया तो नोज रिंग नहीं लगाती है। मेहुल का तो पूरा फ्यूज उड़ जाता है। भला ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब आलिया की ये हमशक्ल है। मेहुल तुरंत फातिमा को सारी बात बताता है। अमेजिंग, ये वही आलिया है ना, जो उस दिन वीडियो कॉल पर भुट्टे खा रही थी। इसके बाद मेहुल और फातिमा उस लड़की के पास जाते हैं। तो वो सच में आलिया की हमशक्ल थी। एक्सक्यूज मी मैडम, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? माय नेम इज सारा। तभी अचानक वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची भी आ जाती है। दिस इज माय डॉटर ज़ोया। मेहुल को अब भी बिलीव नहीं हो रहा था कि सारा आलिया की हमशक्ल है। मेहुल सारा को आलिया की फोटोज दिखाता है, तो कुछ देर तक सारा को भी बिलीव नहीं होता। मेहुल सारा और उसकी डॉटर ज़ोया के साथ एक ग्रुप सेल्फी लेता है और वहां से निकल जाता है। अरे भाई, खबर मिली है कि बिग डैडी जेल से भाग गया है। भाइयों, जेल से आजाद होने के लिए तैयार हो जाओ। इस बार मैं उस आलिया को नहीं छोड़ूंगा। चलो चलो, लंच का टाइम हो गया है। सारी कैदी लाइन से लग जाते हैं और थाली में दाल चावल मिलने लगता है। थोड़ा और दे दे भाई, कुछ दिनों की तो बात है, उसके बाद तो 5-स्टार होटल में लंच होगा। अरे आरव भाई, मुझे भी जेल से निकाल लेना। उधर एक सीक्रेट मीटिंग चल रही है। मीटिंग में सारे अंडरवर्ल्ड के डॉन आए हुए हैं। बॉस, मार्को ने शेरा से हाथ मिला लिया है, अब वो बांग्लादेश में स्मगलिंग करता है। उसने मुझसे धोखा किया है, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। थैंक यू ऑफिसर फॉर माई सपोर्ट। रास्ते में मेहुल आलिया को एक मैसेज करता है और बुलबुले साइंटिस्ट के पास से ब्लास्टिंग बुलेट लाने के लिए कहता है।
लगता है फाइट होने वाली है। जय बजरंगबली, अब मचा दूंगी खलबली। आलिया तुरंत अपनी स्केटबोर्ड लेती है और बुलबुले साइंटिस्ट के घर की तरफ निकल पड़ती है। बुलबुले साइंटिस्ट ने उसके घर तक पहुंचने के लिए बुलबुलाएं बना रखी थी। क्या बता सकते हैं कौन सा रास्ता साइंटिस्ट के घर तक जाता है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी, और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। रास्ता बी साइंटिस्ट के घर जाता है कुछ इस तरह से। आलिया रास्ता लेती है और साइंटिस्ट के घर पहुंच जाती है। बुलबुलिया साइंटिस्ट, अरे ओ बुलबुलिया साइंटिस्ट, दरवाजा खोलो। आलिया काफी देर तक दरवाजा नॉक करती है लेकिन साइंटिस्ट दरवाजा नहीं खोलता। लगता है साइंटिस्ट सो रहा है। आलिया साइंटिस्ट को कॉल करती है। उस समय साइंटिस्ट अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा था। ये आलिया दिमाग पका देगी, कॉल रिसीव ना करने में ही भलाई है। आलिया एक के बाद एक कई बार साइंटिस्ट को कॉल करती है लेकिन साइंटिस्ट कॉल रिसीव नहीं करता। तभी अचानक आलिया को मेहुल की एक बात याद आती है। आलिया, जब तक इमरजेंसी ना हो कभी भी किसी को दो बार से ज्यादा कॉल नहीं करना चाहिए। जब सामने वाला फ्री होगा तो खुद तुम्हें कॉल कर देगा। अब क्या करूं? तभी अचानक आलिया की नजर घर के कोने में रखे दो बॉटल पे पड़ती है। एक्चुअली ये पानी के बॉटल नहीं है बल्कि बॉटल बॉम्ब है, जिन्हें बुलबुले साइंटिस्ट ने इनोवेट किया था, लेकिन वो इन्हें अंदर ले जाना भूल गया, शायद टेस्टिंग के लिए बाहर लाया हो। बहुत दिनों से निशाना नहीं लगाया है, आज थोड़ा वार्म अप कर लेती हूँ। अरे यार बिल्कुल थोड़ा सा रह गया। अगली बार आलिया अक्कड़ बक्कड़ करके निशाना लगाती है। ब्लास्ट की आवाज सुनकर बुलबुले साइंटिस्ट बाहर आता है तो उसकी पूरी दीवार टूट चुकी थी और आलिया का चेहरा काला हो चुका था। अरे आलिया तुमने ये क्या किया, मेरी पूरी दीवार बर्बाद कर दी। वो बॉटल में बॉम्ब था। तभी अचानक आसमान में 1, 2, 3 पूरे 8 हेलीकॉप्टर आ जाते हैं और फायरिंग करने लगते हैं। लॉजिकल आर्मी अब क्या करेगी आलिया? क्या ये बिग डैडी के लोग हैं? और क्या जयकाल दोबारा से मेहुल पे अटैक करेगा? देखेंगे हम अगले एपिसोड में। थैंक यू।